अपने दीपोत्सव के दूसरे दिन रामलला का दर्शन कर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसने राम से ड्रॉ किया उसे जनता ने नाकार दिया। विपक्ष विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा थी जिसे जनता ने स्वयं अलग थलग कर दिया। दीपोत्सव दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला व हनुमान घाटी का दर्शन किया। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने उनके आश्रम जाकर मुलाकात की। इसके अलावा राम की पौड़ी का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी देश प्रदेश वासियों को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने कहा देश दुनिया के सामने एक नया इवेंट के रूप में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और विरासत पर हम लोगों को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि 2 वर्ष पहले जब दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था तब से और कर के आयोजन में नयापन देखने को मिला है। बहुत अच्छी चीज़ें उसमें जुड़ रही हैं। पहले के सहयोगी अन्य गणमान्य लोग ही आते थे। दूसरे दीपोत्सव में भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री प्रेरणा से भारत की संस्कृति परंपरा जोड़े हुए हैं। देशों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला विगत वर्ष इस कार्यक्रम में आई थी और इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में फिजी के डिप्टी स्पीकर वीणा कुमार भटनागर इस आयोजन में भागीदार बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या 7 नगरियों में से एक है। विभिन्न पर्व और त्योहारों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और मां सरयू में आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं, रामलला और हनुमान घाटी के दर्शन पूजन करते हैं। बरसों पहले राज्य सरकार ने अयोध्या में राम की पौड़ी का निर्माण किया था लेकिन वह कार्य अधूरा रह गया। वह केवल एक कुंड टाइप का बना हो था, पौड़ी से पानी निकलते का रास्ता नहीं था। हमारी सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाया, अब अविराल धारा का प्रभाव शुरू हो रहा है। हर की पौड़ी पर तर्ज पर राम की पौड़ी का भी विकास कार्य शुरू हो रहा है। इस कार्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास में 2.5 वर्षों के दौरान अनेक योजनाएं यहां के लिए आई हैं। ऊपर लटकते हुए बिजली के तारों को हटाकर अंडरग्राउंड किया गया है। बिजली 22 से 24 घंटे आने की आपूर्ति की जा रही है। जहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण व सुंदरीकरण का मामला हो या फिर अयोध्या पहचान के अनुरूप उन सभी योजनाओं को अयोध्या के अंदर की वजह की कवादत की। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि दीपोत्सव का आयोजन देश और दुनिया में अयोध्या एक अनोखी पहचान को प्रस्तुत कर रहा है। इस तरह आयोजन ना कि परंपरा बल्कि बड़ी मात्रा में पर्यटकों के माध्यम से रोजगार के भी अवसर निकल रहे हैं। वहीं विपक्ष का आरोप लगाते हुए कहा राम की शरण में जो नहीं गया, जिसने राम की भक्ति नहीं की और जिसको मिली उसका उद्धार हुआ और जिसने राम से ड्रॉ किया उसकी दुर्गति हुई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। विपक्ष की विपत्ति के कारण देश की जनता ने उनके सामने स्वयं की विपत्ति खड़ी कर दी। उन्होंने उनका अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। जिस तरह से विकास को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार ने कार्य किया है उसमें विपक्ष सबसे बड़ी बाधा थी, इसीलिए जनता ने स्वयं उन्हें नकार दिया और उन्हें अलग थलग कर दिया। हम लोगों का प्रयास होगा कि सरयू जी में जहां पर ये जल वापस जा रहा है वहां तक दोनों ओर घाट बने और एक साथ लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्नान करने के लिए सुरक्षित जगह हम दे सकें। तो यह एक बेहतर अवसर यहां पर मां सरयू के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले श्रद्धालुजनों के लिए यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। अयोध्या के विकास में विगत 2.5 वर्ष के दौरान अनेक योजनाएं यहाँ के लिए आई हैं। ऊपर लटकते हुए तारों को हटा करके IPDS के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट और 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति का मामला हो, यहाँ के सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का मामला हो या फिर अयोध्या में अयोध्या की पहचान के अनुरूप उन सभी योजनाओं को अयोध्या के अंदर देने की कार्रवाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। मुझे विश्वास है कि दीपोत्सव का यह आयोजन जिस प्रकार से अयोध्या के साथ जुड़ करके देश और दुनिया में अयोध्या की एक अनोखी पहचान को प्रस्तुत कर रहा है, यह अद्भुत है। और आने वाले समय में इस प्रकार के आयोजन न केवल परंपरागत तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को यहाँ आकर्षित करने में अपितु बड़ी मात्रा में पर्यटकों को और उनके माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक ढेर सारी संभावनाएं अयोध्या के माध्यम से बनेगी और अयोध्या को अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के रूप में पहचान दिलाने में।
मुख्यमंत्री जी, कल विपक्ष की तरफ से एक आरोप आया। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। उनका दुर्भाग्य है कि राम की शरणागति और राम की भक्ति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। ये तो स्थापित तथ्य है, जो राम की शरण में गया है, राम की शरणागति, राम की भक्ति जिसे प्राप्त हुई है, उसका उद्धार हुआ है। और जिसने राम से द्रोह किया है, उसकी दुर्गति हुई है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। योगी जी, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की इसी कुमति के कारण देश की जनता ने उनके सामने स्वयं ही विपत्ति खड़ी कर दी है। उनके अस्तित्व का एक संकट खड़ा हुआ है। वह विकास, भारत की सांस्कृतिक परंपरा और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकार जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ की है, उसमें वो सबसे बड़ी बाधा थी। विपक्ष सबसे बड़ी बाधा थी, इसलिए जनता ने स्वयं उनकी नकारात्मकता के कारण उसे अलग थलग कर दिया है। अपनी सांस्कृतिक परंपरा पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं और इन्हें देश और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए जो भी हो सकता है, हम लोग उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। दीपावली का उत्सव तो अब अयोध्या का एक ब्रांड बन चुका है, अयोध्या की एक पहचान से जुड़ चुका है।